हैदरस गांव में बंद कमरे में मिला महिला का शव। माँ के पति ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। बता दें कि कानपुर नगर की घाटमपुर कोतवाली के हैदरस गांव में एक महिला का शव घर के अंदर बंद कमरे में मिला। वहीं महिला के मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्राची देवी पत्नी राजन हैदरस गांव की रहने वाली थी, जिसका शव घर के अंदर बंद कमरे में पाया गया। वहीं सूचना पर मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि महिला के भाई ने बताया कि वह अटौली कानपुर देहात का रहने वाला है। उसने अपनी बहन की शादी बीते 9 फरवरी 2019 को हैदरस गांव में राजद के साथ की थी। ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आए दिन प्राची को प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे। हालांकि घटना की सूचना परिजनों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें घटना के बाद ससुराली जन मौके से फरार है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि स्थानीय पुलिस जाँच है। ये क्या मामला हो गया, कैसे क्या घटना हुई? ये हमेशा पैसे के लिए कहा करते थे और पैसे दिए भी है तो अब मांग ज्यादा कर रहे थे, कही देते पैसे ही के लिए। कौन पैसा मांगता था? राजन। और इसको मारते भी थे, भेजते थे बार बार। किसको मारते थे? उस बहन को। बहन को कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? पास बटौली गाँव। बटौली गाँव। कब शादी हुई थी? 9 फरवरी की हुई थी। सन? सर 2019 में। उसके बाद दहेज को लेकर ये प्रताड़ित करते थे। और अभी हम आए थे 14-10 तारीख को, तो बल्कि आए थे तो हमने कचहरी देने तो दे के गए थे। और उसके बाद में इनकी मम्मी ने हमको खूब उल्टा सीधा सुनाया था, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे थे। कि इसमें आपने पुलिस से शिकायत की? नहीं, हमने कहा घर की बात है, इनकी सब समझ जाएंगे। नहीं, अभी आपने पुलिस में अप्लीकेशन दी? जी हाँ। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी।